नमस्कार, मैं हूं अंकित सिद्धू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दंगल 2018 चुनाव रथ पहुंचा है मध्य प्रदेश के मंडला में। मंडला सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा बेहद अहम जिला है और नर्मदा नदी उत्तर पश्चिम में बहते हुए इस जिले को रीवा से अलग करती है। अहम बात यह है कि मंडला मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और यहाँ के लोग आज भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की राजनीति की, तो यहाँ साल 2013 में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संजीव छोटेलाल उइके जीते थे, जिन्हें मिले थे 80,066 वोट। उन्होंने बीजेपी के संपतिया उइके को हराया, जिन्हें मिले 76,239 वोट। इस बार यानी कि 2018 में यहाँ से बीजेपी की तरफ से देवी सिंह सयाम मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने दोबारा टिकट दिया है संजीव उइके को। मंडला की जनता के अपने नेताओं से कुछ अहम सवाल हैं और इन्हीं मुद्दों और सवालों को नेताओं और जनता के बीच उठा रहे हैं समय संवाददाता अंकुश शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं मंडला का। दंगल 2018 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल का चुनाव रथ पहुंचा है मध्य प्रदेश के मंडला। मां नर्मदा की गोद में बसा ये शहर किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा, किस आधार पे वोट करेगा, किसको वोट करेगा और क्यों वोट करेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या यहां के मुद्दे रहेंगे, क्या किन वादों के साथ पार्टियां जनता के बीच में है, सभी विषयों पर चर्चा होगी। सभी विषयों पर बात करने के लिए मंडला के स्थानीय नागरिक, मंडला के स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम यहां के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे हमारे स्थानीय संवाददाता से। वो बताएंगे कि आखिर इस बार जनता किस आधार पर वोट करने वाली है और प्रमुख मुद्दे जो है वो क्या है मंडला के। देखिए, जहां तक मंडला के मुद्दों का सवाल है, ये आदिवासी जिला है। आदिवासी जिला में जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये आय और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे आज भी आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी मुद्दे हुए हैं। हेल्थ साइड में बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा बाहर जाता है, बड़े शहरों में जाता है। एजुकेशन साइड का कम से कम 80% जो रेवेन्यू है वो बड़े शहरों में इंदौर, रायपुर, जबलपुर, इन जगहों पर जाता है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी वो जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो जीवंत बने हुए हैं और पब्लिक केवल उसी की डिमांड करती रहती है सदैव, और अपने ट्राइबल लीडरशिप से उसी की मांग करती रहती है। पूरे जिले की अगर बात करें तो सियासी समीकरण क्या है, कितनी सीटें हैं, कितनी भाजपा के पास है, कितनी कांग्रेस? देखिये, मंडला जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मंडला एक हेडक्वार्टर है, फिर निवास है और बिछिया है। बीते चुनाव की बात करें तो मंडला कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के पक्ष में रही है और बिछिया और निवास ये भाजपा के खाते में गई थी। निवास सीट, चूंकि ये एरिया सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा का एरिया माना जाता है, तो उस आधार पर निवास सीट पिछले 3 बार से भाजपा के पक्ष में जाती रही है। इस बार जो ये देखा जा रहा है कि कुछ एट्रोसिटी का मुद्दा, नोटबंदी, GST के साथ साथ स्थानीय सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे इस चुनाव में मिला के सभी मुद्दे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, ये धार्मिक नगरी कहा जाता है। ऐसे में नर्मदा सफाई की योजना, नर्मदा बचाओ योजना, 15 साल से भाजपा सरकार है, तमाम तरह की योजनाएं चली हैं, कितना असर पड़ा है इन योजनाओं का? देखिए, न केवल मंडला बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में नर्मदा एक राजनीति का केंद्र बनी हुई है। पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नर्मदा सेवा यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस दिग्विजय सिंह परिक्रमा करते हैं, तो नर्मदा जो प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, वो बहुत बड़े करीब करीब 35-36 जिले इस नर्मदा के कारण के सानिध्य में आते हैं, तो नर्मदा एक मुद्दा तो है। मंडला की ही बात करें तो नर्मदा जी में 16 नाले आज भी पिछले सदियों से गंदगी विसर्जित कर रहे हैं। उसके लिए कोई मास्टर प्लान किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं बनाया है। नर्मदा भी मंडला में एक मुद्दा है।
बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से, चूंकि पावन ये धरती है, धार्मिक नगरी है और ऐतिहासिक शहर है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्मदा मैया की गोद में बसा ये शहर है, तो सबसे पहली बात मां नर्मदा से ही कर लेते हैं, भाजपा से पक्ष ले लेते हैं। 15 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में, मां नर्मदा को लेकर सरकार ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन आज मंडला की अगर बात करें तो नाले जो हैं आज भी मां नर्मदा में गिर रहे हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कहां गए वो सरकार के दावे? देखिए, जहां तक नर्मदा नदी का सवाल है तो आपको मैं बता दूं कि अमरकंटक से और गुजरात तक में सबसे शुद्ध पानी जो बेल्ट कहलाता है वो मंडला से और जबलपुर के बीच का है। रहा सवाल नालों का, मुख्यमंत्री ने यहाँ पे 16 नाला बनाने का उन्होंने घोषणा की थी, नालों का निर्माण कार्य चालू है। पिछले 1.5 साल से मंडला नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते 16 नाले, पिछले 1.5 साल से नगर पालिका कांग्रेस के पास है और नालों का काम बिल्कुल स्थगित हो गया, बंद हो गया, उस तरफ ना कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना उसकी कोई चिंता की जा रही है। कांग्रेस के पास है नगर पालिका और इस तरफ कोई ध्यान नहीं। माननीय संजीव उइके ने 16 नालों को अलग करने के लिए अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है, और रही बात पिछली नगर पालिका की, तो पिछली नगर पालिका जो भारतीय जनता पार्टी के पास रही, जो नल जल योजना के तहत 17.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, आज भी अगर पानी छोड़ा जाता है तो वो पाइप ब्लास्ट हो जाते हैं, ऐसी नगर पालिका का काम रहा पिछले 5 वर्षों का। नगर पालिका अभी कांग्रेस के पास है, पिछली बार क्या हुआ था वो अलग बात है, लेकिन इस बार मुद्दा क्या नर्मदा मैया रहेंगी? तो आपको बता दूं कि मंडला नगर पालिका में 16 नाले बंद करने के बाद 2 नाले बंद कर दिए गए, मात्र 14 नाले हैं। 14 नाले के लिए अभी 1.5 साल नहीं, पिछले 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी 14 नाले में हमने जाली लगा के उसमें जो पन्नी और जो बाकी जो डस्टबिन और जो पन्नी बह रही है उसको हमने बंद करवा के केवल पानी प्रवाह उसमें हो रहा है जिसमें शुद्ध पानी पहुंच सके। ये जो बोला जा रहा है कि उसमें जो पैसा दिया गया, आप पता कर लीजिए, 14 नालों को बंद करने या उसको कोई रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अभी हमने जब से 1.5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार बैठी है नगर पालिका में, हमने उसका प्रस्ताव उसका DPR बना के भेजा है, जिसमें अभी हमारे पास शासन की ओर से सीवर लाइन मंडला नगर में चालू करने का प्रावधान हो गया, जिसका टेंडर भी हो गया और आचार संहिता खत्म होने के बाद सीवर लाइन चालू करके हम 14 नालों को बंद करके रहेंगे। नाला बंद आप करेंगे, सफाई को सफाई जो है आज भी नहीं, सीवर लाइन में सफाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप साफ होता रहेगा। जो जितनी छोटी बड़ी नालियां हैं सीवर लाइन से उसको ले आके हमने गाजीपुर में वहाँ प्रवाह किया, गाजीपुर में ट्रीटमेंट लगेगा और ट्रीटमेंट में करके उस पानी को साफ करके और सिंचाई के लिए हम नहर के माध्यम से किसानों को देंगे। नगरपालिका सरकार नगरपालिका में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का कहना है कि वो नाले जो हैं वो बंद कराएंगे, लेकिन 15 सालों से जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश सरकार की, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पौधारोपण की बात हुई, सफाई की बात हुई, कहां तक पूरी हुई वो बातें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगरपालिका परिषद मंडला आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी कांग्रेस सत्तासीन रही, वो उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, हम सिर्फ 5 साल रहे और 5 साल में हमने नर्मदा में मिलने वाले जो गंदे नाले उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया और आप सीताराम वार्ड में आप देख सकते 3 नालों को डायवर्ट करके बनाया। बात रही वृक्षारोपण की, तो हमारे ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और उसके टेंडर भी हो गए हैं और सब भूमिगत नाले बन रहे हैं और 16 नालों को डायवर्ट करके उस पर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा, ये तो इनकी उदासीनता है, ताकि जनता हमसे सवाल पूछे, उदासीनता इनकी है और ये अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। दूसरी बात वृक्षारोपण की, नगर पालिका ने खुद ही वृक्षारोपण कराया है, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, ये लोग फील्ड में जाए ना, पहले नर्मदा के दोनों छोर पर जाके देखे, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखे जहां पर पौधारोपण हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई घपला घोटा, अगर घपला घोटाला हुआ तो इन्होंने क्यों नहीं FIR दर्ज की, इन्होंने क्यों नहीं आरोप लगाया, विधानसभा में इनका विधायक था वो प्रश्न क्यों नहीं उठाया? भाजपा ने काम किया है नर्मदा के लिए, कांग्रेस ने काम किया है नर्मदा के लिए, दोनों के अपने अपने पक्ष है, वो सब काम कर रही है, लेकिन स्थिति जो है वो तस्वीरों में साफ दिख जाती है। नर्मदा मैया का मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? नर्मदा मैया को आम आदमी पार्टी के आने जनता के हित के लिए बात करती आई है, जनता के हित के लिए काम करती आई है, जिसका उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में हमने लोगों के लिए डोर टू डोर स्टॉप योजना कर दी कि भ्रष्टाचार मिटा दिया। दिल्ली में हमने यहाँ से 3 गुना कम बिजली दे रहा, मध्य प्रदेश के बिजली खरीद के हम 3 गुना कम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और हमारे अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, बाकी धर्म की राजनीति हम नहीं करने वाले। धर्म की राजनीति नहीं होगी, वास्तविकता वर्तमान में जो हालात है मंडला के वो किसके कारण है, क्यों है? पिछले कार्यकाल जो था CM साहब का, उनने पेयजल व्यवस्था के लिए अन्य जिलों पर भी लगाया 18 करोड़ 20 करोड़ सब लगाया, मगर आज भी एक भी
एक जिलों में ही बता दे कि जो पेयजल समस्या के निवारण के लिए उन्होंने दिया था, एक भी चालू हो तो बता दे कोई। मैं नल जल प्रभारी हूँ, मैं प्रभारी हूँ। वो स्थिति ऐसी है, अभी चार वार्ड में, अभी नौ में, चार माह में दो चार वार्ड काम हुए, नौ बार। ऐसा क्यों आप प्रभारी भी हैं और क्यों नहीं हो पाया? उसमें बंदरवाट हुआ, उसमें सीएम साहब सीएमओ ने, नगर पालिका सीएमओ ने पिछले कार्यकाल में एक साल पहले उसको फाइनल कर दिया बिना चेक कराए। उसमें ना वो नहीं, उसमें वो भी नहीं था वाल सिस्टम कहीं था। हमने महाराजपुर चार अकेले चार वार्ड में चार 32 वाल बनाए, अभी तक फूट रही है नाली। शहर है जिला है, उसके बाद भी पेयजल की समस्या की बात उठ रही है। समस्या है, जब भाजपा का शासन था उस टाइम बहुत समस्या आई थी, अभी बहुत कम है। और ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मंडला राज्यसभा सांसद का पुत्र राजा उइके, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के लिए क्या दिखा है, क्या कुछ कार्य हो ही नहीं पा रहा है। ये वास्तविकता, भाजपा के आदमी राज्यसभा सांसद के सुपुत्र खुद ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप खुद देख सकते हैं। लोकल मंडला में कांग्रेस के विधायक हैं, लोकल मंडला में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार प्रदेश में 15 सालों से है, और ऐसे में कई राजनीतिक दल हैं जो वो भी अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश करते हैं। सपाक से एक नेता है, आप कैसे देखते हैं पूरे मंडला के हालातों को? मंडला के हालातों को तो जाने दीजिए, जिस स्थान पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ से चंद कदमों पे चौपाटी है, चौपाटी की गंदगी देख लीजिए। वहाँ पे यूरिनल के लिए तोड़ फोड़ के वो कर दिए हैं, नई व्यवस्थापन नहीं किया गया है, तो कहाँ पूरे मंडला के संयोजन की आप व्यवस्था कर रहे हैं? जिस स्थान में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, यहाँ चार कदम में चौपाटी है, वहाँ की व्यवस्था देख लो कितनी गंदगी है। सपाक्स इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल रख रही है, क्या आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे? भाई साहब, हम लोगों का जन्म सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ और आर्थिक आधार पर आरक्षण सब पे लागू हो, सभी को गरीबों को आरक्षण मिले, इन दो मुद्दों को मुख्यतः लेके हम लोगों का जन्म हुआ है। इसके बाद जब इन दोनों चीजों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, विकास कार्य तो करेंगे ही करेंगे, बिजली पानी नगर ये व्यवस्था ये तो सब करना ही पड़ेगा सरकार को, पर पहले एट्रोसिटी एक्ट हटाओ। बाकी के मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है मंडला को? बिल्कुल नहीं मिल पाई है। जब फग्गन सिंह कुलस्ते जी स्वास्थ्य मंत्री रहे तो डॉक्टर को, यानी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो और क्या करेंगे मंडला के लिए? हमारा जो दंगल का प्रोग्राम है उसमें एक रोचक तस्वीर अभी तत्काल प्रभाव से ये सामने आई है कि मंडला जिला और नैनपुर के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल कर रहे हैं। कौन है आप और ये सवाल किससे और क्या कर रहे हैं? भाई साहब, मैं दीपक शर्मा नैनपुर से हूँ। मैं भी 26 साल से प्रिंट मीडिया में काम कर रहा हूँ। मंडला जिले की स्वास्थ्य सेवाएं आज की दिनांक में नपुंसक दौर से गुजर रही है। मंडला जिले में सिटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, डायलिसिस महंगा हो गया है। आज हमारे यहाँ नैनपुर विकासखंड तीन जिलों का सेंटर है, बालाघाट की बरसवाड़ा विधानसभा, सिवनी जिले की कैलाड़ी विधानसभा और नौ ब्लॉक का जो एक ब्लॉक है नैनपुर मंडला जिले का, उसका जितनी ओपीडी मंडला जिला मुख्यालय में नौ ब्लॉक में नहीं आती उतनी हमारे यहाँ पर आती है। स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जो लोकल की सरकार है उनसे ही जवाब ले लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या हुआ है? स्वास्थ्य नगर पालिका संबंध हमसे देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में ऐसा है कि अपने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो चाहते तो आदिवासी मेडिकल कॉलेज खुलवा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर इस 15 साल में 92 से लेकर जब से भाजपा सरकार पावर में आई है तो इनके दो प्रधानमंत्री बन गए। बहुत बड़ा यहाँ पर 1.5 एकड़ में कार्यालय बन गया, मगर देश के राम मंदिर जो जिस मुद्दे पर लड़ते थे उस मंदिर के लिए आज तक नहीं किया। दो प्रधानमंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री बन गए, मगर इन्हें देश के लिए या मंडला जिले की स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसको वो बोल सके हम केंद्रीय मंत्री के रूप में जाके हमने काम किया है। देश का मुद्दा नहीं है मंडला में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, मंडला में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अगर नहीं हो पाई है तो क्यों नहीं हो पाई है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए फग्गन जी केंद्रीय मंत्री जो फग्गन सिंह है वो जिम्मेदार है सीधे। स्वास्थ्य की सुविधाएं स्वास्थ्य की सेवाएं मंडला को आज तक नहीं मिली है, फग्गन सिंह कुलस्ते जिम्मेदार है, कांग्रेस का आरोप है। देखिए, स्वास्थ्य की
को लेके हम चिंताजनक हैं। ये मैं भी स्वीकार करता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहां नहीं है, प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय प्रॉपर यहां कैंप लगाता है, उन परेशान व्यक्तियों को, बीमार व्यक्तियों को ले जाता है और एम्स जैसे अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट करवाता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही है, गड़बड़ कर रहा है। ये जो आपको फ्लैश दिखाया जा रहा है, ये विधायक क्षेत्र आपके संजू उइके का विधानसभा क्षेत्र है, क्यों नहीं प्रश्न? यहाँ के डॉक्टर मस्कोले जो यहाँ पे एक अच्छे चिकित्सक थे, उनको कांग्रेस टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है। पूरी व्यवस्था अपनी योगी राज में यहाँ पे जितने कांग्रेसी है पूरे डॉक्टर उनको टिकट से चुनाव लड़वा रही है और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा रही है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। संजू उइके विधायक है, संजू उइके विधायक है कांग्रेस पार्टी जो है। इसका कारण है कि मंडला में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाई। सड़कों की क्या स्थिति है मंडला में? जबकि जल व्यवस्था के लिए खोदी गई है, उसके लिए हमारे पास अलॉटमेंट नहीं है। पूरा खुदा पूरा गली गली खुदी पड़ी है, पैसे बिल्कुल नहीं है, अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग बाग। अभी इसमें वाल्व सिस्टम नहीं है, मंडला अगर शुरू करें हम तो वाल्व सिस्टम बिल्कुल नहीं है। महाराजपुर हमने 32 वाल्व लगाया, इसके बाद भी सक्सेस नहीं है। सड़कों की क्या हालत? हम जवाबदार है। आप मंडला से जबलपुर रोड चले आए, आपको सड़कों की हालत वैसी दिखाई दे देगी। करोड़ों की योजना है, बन रही है सड़कें, मगर विगत 3 माह से पूरा कार्य ठप पड़ा, वहाँ पे लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सड़कों की हालत वाकई खराब है। प्रदेश सरकार और तमाम दावे करती है कि पूरे प्रदेश में सड़कों के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंडला में एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है। आप किसी भी सड़क से आइए, मंडला में रोड तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है आपका। मंडला में ग्रामीण अंचलों में जाके देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें देखिए आप, मंडला से रायपुर चिल्फी राजमार्ग देखिए आप, नागपुर रोड देखिए, डिंडोरी रोड देखिए, किस रोड की बात कर रहे हो? जबलपुर मंडला हाईवे का क्या हुआ? जबलपुर मंडला हाईवे का काम निर्माण कार्य में, क्योंकि वहाँ पे कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ पर्यावरण संबंधित अड़चने आ रही थी, वो काम लगभग 75% कम्प्लीट हो चुका है और वो शीघ्र वो काम जल्दी होगा, 1-2 साल के अंदर वो काम चालू हो जाए। लोकल मंडला शहर में सड़कों की हालत क्यों बदतर है? आप देखे होंगे, रोड नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं। अपन रोड की बात करें तो मंडला से जबलपुर कितने साल से रोड बन रही है? रोड है, गड्ढे हैं, सिर्फ गड्ढे हैं, रोड नहीं है। उस जब रोड बन रही थी, रोड कांग्रेस ने स्वीकृत किया। ये लोग श्रेय लेते हैं कि हमने सेंक्शन कराया, 4 लाइन को 2 लाइन इनके सांसद ने कराया और आज तक भी किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। आपका प्रत्याशी भाजपा का प्रत्याशी कौन से वादों के साथ जनता के बीच जा रहा है? हमारा प्रत्याशी विकास के साथ जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 सालों में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है उस पे हम चुनाव में आए हैं। और ये रोड की बात करते हैं, मेरे पास प्रमाण रखा है, ये गड्ढों में डस्ट और बजरी डाल के डबल रोड को सुखार, ये मंडला नगर की नगर पालिका का प्रारूप बता रहा हूँ आपको मैं, इस तरीके से पब्लिक को। और ये नल लाइन की जो बात कर रहे हैं, नल लाइन की 1.5 साल हो गए, नल में पानी आना बंद होते जा रहा है, ये मंडला की स्थिति है। कांग्रेस का मैं अपने भाई को बता दूं कि मंडला नगर पालिका के अंदर टायरिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। हम बजरी और जो मुर्रम डाल रहे हैं वो डेली व्यवस्था के कारण कर रहे हैं। मंडला में कोई भी सीएसआर हमारा टायरिंग का नहीं है। हम मंडला नगर पालिका द्वारा सीमेंट रोड का निर्माण करते हैं। और मैं अपने भाई को बता दूं कि बजरी और मुर्रम ये जो विशेष कार्यक्रम होते हैं मंडला में, जैसे दुर्गा उत्सव हो, मुहर्रम है, इसमें हम टेम्परेरी व्यवस्था करके जो गड्ढा होता है उसको हम भरने थे, जिसमें आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। कांग्रेस अपना पक्ष रखे, आपका 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 जो प्रत्याशी है, आपके पास ये मंडला सीट है, कांग्रेस का विधायक रहा है, इस बार कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे, कौन से वादे लेकर जाएंगे? आप देख रहे हो मध्य प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, बेरोजगारों व्यापम घोटाला, पूरे आदिवासी क्षेत्र में पूरा पलायन हो रहा है, रोजगार नाम की चीज नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है, आप भी मैदान में हैं, किस तरह कौन से वायदे लेकर जाएंगे? आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में वायदे लेकर निकली है कि लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, जो मंडला में स्वास्थ्य है ही नहीं, मंडला में डॉक्टर नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आज यहाँ से मंडला से जबलपुर रोड इतनी बर्बाद है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है जबलपुर पहुंचते खत्म हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे पहले जोर देके
कौन से गांव, कौन से गांव? ग्वानी में, वो ग्वानी में लाइट नहीं है, हमारे पापा के पास है, अंधेरे में रहते, नदी किनारे, इतने साधन है, खेती किसानी में वाले आदमी हम लोग हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या जो है आज भी बनी हुई है, आपके आप बताइए, खड़े होकर, आपके यहाँ भी चुनाव है, आप भी वोट डालने वाले हैं, किस आधार पर वोट करेंगे, किस आधार पर वोट करने वाले हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका? अब तो वो तो अपने आने दो, समय आने का बाद में जो कुछ भी होगा तो देखा जाएगा, वो सामने रहेगा। और इसके बाद में हमारे यहाँ डठवरी क्षेत्र में, देहात पठार क्षेत्र में इतना सूखा घोषित हुआ है जिसमें कि हमारा कोई सुनाई भी नहीं होते हैं। और आपके क्षेत्र में एक बात तो सामने आई है, बिजली के अलावा और कोई समस्या है कि नहीं है? बिजली के अलावा बिजली है हमारे पास में सूखा घोषित के किसानों को हमको बहुत अपराधी है। सूखा घोषित हुआ था, उसका पैसा जो है अभी तक नहीं मिला है। सूखा घोषित होने के बाद आप सड़क की बात कर रहे हैं, तो सड़क की क्या स्थिति है इसका प्रमाण, कल सीएम की सभा चल रही थी और जो मंडला से राज्यसभा सांसद संपतिया उइके हैं, उनके लड़के ने व्हाट्सएप पे किया है अश्लील गालियां बकते हुए, उसने मुख्यमंत्री को लिखा कि अरे मुख्यमंत्री ये वीडियो है, गालियां, अश्लील गालियां राज्यसभा सांसद के लड़के ने लिखी कि यहाँ की रोड तो बनवा दो। रही बात शिक्षा की, तो स्कूल में मास्टर नहीं है। और ये जनता की आवाज, ये फ्लैग्स, अभी आप देखें कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करते हैं, पलायन मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा पलायन मंडला जिले का है। बलात्कार की बात आप कर रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, जब शासन प्रशासन है आपका, पलायन और कानून व्यवस्था, पलायन और कानून व्यवस्था। आपको पहले बता दूं, जो राज्यसभा सांसद के ऊपर इल्जाम लगाया गया, मैं बता दूं, हम लड़ रहे हैं चुनाव जमीन में, इनकी जमीन खत्म हो चुकी है, ये चुनाव लड़ रहे हैं मोबाइल पे, ये सोशल मीडिया पे मोबाइल लड़ रहे हैं, समझे, और वो न्यूज फेक है। और दूसरा सवाल इनने जो किया है यहाँ पे बच्चियों की सुरक्षा के लिए, तो नाबालिग बच्ची को बलात्कार में फांसी देने का कानून किस सरकार ने बनाया, आप बताएं, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया, आपकी महिला अध्यक्ष है नगर पालिका की, वो नहीं लाया जाता, में क्यों नहीं लाया, क्यों महिला को छुपा के रखते हो घर में आप, अध्यक्ष है, जवाब देने क्यों नहीं आती महिला होने के नाम? कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर नाबालिग से जो है बलात्कार होता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, देश की सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है। ऐसे में आपने ही आरोप लगाया था और जवाब भी आ गया, कहेगा किसका? कानून व्यवस्था को लेकर आपका जवाब है। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हो, इस बात को आप जान रहे हो कि आज से पहले कभी ऐसा होता था कि घर में अपने माँ बाप के साथ सोची हुई बच्ची को घसीट के ले जाते हैं, सर आप, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, क्या कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हो, कौन सा कानून लागू है? मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि अध्यादेश क्या होता है, घोषणा करके कहता कि कुछ नहीं, एट्रोसिटी कोई मामला नहीं है, मैं बोल दिया मामला नहीं बनेगा, ये मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, मंडला की अगर बात करें तो मंडला में कानून व्यवस्था कितनी ठीक है और क्यों ठीक नहीं है? अगर मंडला की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, जहाँ जहाँ ऐसी वारदातें होती है उस पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं बलात्कार की, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो नाबालिग व्यक्ति से बलात्कार करने वालों को तत्काल फांसी की सजा का प्रावधान किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, इसके पहले कांग्रेस ने क्या किया, 10 साल केंद्र में सरकार थी, 10 साल राज्य में सरकार, ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आए? मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, मूलभूत सुविधाएं देने में चाहे वो नगर की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो विधायक हो, कितना सफल हो पाए हैं आप लोग मूलभूत सुविधाएं देने में? मूलभूत सुविधाएं कुछ है नहीं अभी मध्य प्रदेश के, उसमें क्या मूलभूत सुविधा दे रहा, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। आपको देख रहा मंडला जबलपुर की रास्ता देख लो आप, आज जबलपुर में कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं, किसी को अगर जाना हो तो निवास और जबलपुर रोड में मरीजों को ले जाते लोग मर रहे हैं, जो स्थिति है यहाँ पे। नगर सरकार संतुष्ट कर पाई है लोकल के वोटरों को? लगातार सतत प्रयत्नशील है जो व्यवस्था, नगर सरकार संतुष्ट कर पाई है लोकल वोटरों को? देखिए नगर पालिका, वो खुद नगर पालिका के जलकार के सभापति स्वयं बोल रहे थे कि हमारे पास बजट नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो तो वैसे ही बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि मंडला शहर में मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाएं थी उसको क्रियान्वयन करने में भी ये पीछे है। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास की योजना है उसके लिए लोग भटकते हैं, पैसा हमने भेजा, सरकार भेज रही है, ये फाइल उनके घर तक जाती है, दो दो तीन तीन महीने लोगों के मामले लटके रहते हैं। जहाँ तक अन्य जो विकास की बात है, 17 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जलावर्धन योजना में आया, उसका काम ये नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो आम जनता, आम हितग्राही इनसे परेशान है।
बात रही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की, तो उन्होंने 15 साल में गांव, गरीब, किसान, वंचित, पिछड़े, शोषित सबके लिए, रिक्शा वाले, ठिलिया वाले, फुटपाथ वाले, सबके हित के और कल्याण के लिए काम किया। और आप जाके इनसे पूछ सकते हैं, आप इसको संबल योजना वो योजना है जो लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्थाएं की, ये क्या बात करेंगे? सरकार की तमाम योजनाएं गिना दी भाजपा ने, और भाजपा का कहना है कि वो जो जितना भी बजट होता है वो नगरपालिका को दिया गया है। सरकार की तरफ से बजट आया था, भाजपा का कहना है सरकार की तरफ से बजट आया था नगरपालिका में पानी को लेकर मंडला में, बिल्कुल नहीं आया, बल्कि 18 लाख का घोटाला किया है, 18 करोड़ का घोटाला किया इसमें। अब सोचो वहाँ का सीएम जो है नगरपालिका का, बिना टेस्टिंग के फाइनल कर दिया था, हम लोग के बैठने के पहले फाइनल कर दिया बिना टेस्ट की। एक घोटाले की भेंट जो है पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगरपालिका अपना तर्क रखती है, भाजपा अपना तर्क रखती है, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, ऐसे में लोगों की समस्याओं का क्या होगा? लोगों की समस्याएं लोग इतने दिन से देखते चले आ रहे हैं, कभी बीजेपी के अध्यक्ष बने, कभी नगर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लोगों ने सबका कार्यकाल देख चुका है, सिर्फ लोग शिकायत करते रह गए। आप यहाँ आज बैठे, यहीं का देख ले ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ पे, कितनी व्यवस्था नगर पालिका दे रही लोगों को, आज एक ऑटो स्टैंड नहीं है शहर में किसी प्रकार की। और अभी आप रोड की एक बात चल रही थी कि भैया बजरी में लाके रोड बन रही है, तो यहाँ से मात्र मैं 5 किलोमीटर दूर बता दूं कि सेमर खापा रोड, जहाँ पे विधायक है राम प्यारे कुलस्ते, वहीं के सांसद भी है, 2.5 किलोमीटर रोड बन रही है 74 लाख रुपए में, जहाँ पे डामल में बजरी में लाके रोड बनाई जा रही है। इतनी सारी तमाम बातें हो गई, क्या भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में जनता पिस रही है? अच्छा, पिस नहीं रही, तबाह हो गई है जनता। और सिर्फ ये कांग्रेस पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई थी, अब ये बीजेपी जब से आई है हिंदुओं और हिंदुओं के बीच भेद कर दिया है। हम लोगों के गरीब किसान भाइयों को, जिनके द्वारा कृषि पूरा, जिन पे कृषि आधारित था, अब वो हमसे दूर से टक के जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी नीतियां ये है कि अब हिंदू को लड़ाओ, समाज को ऐसा छिन्न भिन्न कर दो कि इनकी संस्कृति नष्ट हो जाए। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मंडला में कांग्रेस की सरकार है, जनता किसी से संतुष्ट नहीं हो पाई है, या दोनों पार्टियां जनता के लिए कुछ कर पाई? दोनों पार्टियों ने विभाजन का काम किया है और अपने स्वार्थ सिद्धि का कार्य किया है, बस मैं यही कहूंगा। विभाजन का काम किया है और स्वार्थ सिद्धि का, इसके अलावा प्रगति का कहीं कुछ ऐसा कार्य आज तक ऐसा नहीं दिखा है। इस बार मंडला जिले की जनता किन मुद्दों पर, किन विषयों पर वोट करने वाली? हमारा तो ये है कि हम सपाक्ष से हैं, एक्टो सिटी एक्ट और आर्थिक आरक्षण, इस मुद्दे को लेके हम लोग जा रहे हैं पब्लिक पे। और इसके बाद मूलभूत सुविधाएं जो जिले में होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल चरमराई हुई है जिले की, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इन मुद्दों पे शहरी क्षेत्र लोकल जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको लेकर इस बार मतदान होगा। नगर में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मूलभूत सुविधाओं की बात दोनों ही दलों ने, या तीनों ही दलों ने, या जितने लोग हैं उन मूलभूत सुविधाओं की कोई बात नहीं करता, सब प्रदेश और राष्ट्र स्तर के मुद्दों पर पहुंच जाते हैं, लोकल की जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल ये बात सही है, चूंकि ट्राइबल एरिया है तो रिमोट एरिया है, क्योंकि अशिक्षा अज्ञानता, तो वो जो बोनोफाइड नीड जो पब्लिक की है उसकी डिमांड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाती है, यही एक कारण है इस इलाके के पिछड़े होने का, पब्लिक का जागरूक ना होना, और जागरूक ना होने देने का राजनीतिक षड्यंत्र प्रयास करना, वही इस जिले के विकास का मुख्य बाधक है, और जिसके लिए मंडला में जागरूकता में, विशेषकर रिमोट एरिया में, ग्रामीण एरिया में जरूरी है, अन्यथा यह इलाका भी छत्तीसगढ़ की तरह नक्सलवाद के प्रभाव से वंचित नहीं रहेगा, ये क्लियर है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस ग्रामीण स्तर पर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए राजनीतिक प्रयास करने होंगे, पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास करना होगा, ये बात अलग है। लेकिन सर पे चुनाव है, जनता को फैसला करना है कि वो किसे चुनेगी, चूंकि नगर में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और दोनों ही सरकारें अपनी तरफ से जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करती रही है, लेकिन निर्णय ये बताएगा कि जनता किससे संतुष्ट हुई है और कितनी संतुष्ट हुई है, ये निर्णय करने का काम पब्लिक के ऊपर है। 11 दिसंबर को निर्णय आएगा और ये साफ हो जाएगा कि पब्लिक किसके साथ है। फिलहाल दंगल के लिए आज के लिए बस इतना ही, किसी और शहर में मिलेंगे वहां के मुद्दों के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, समय के लिए सहयोगी अजय चौधरी के साथ अंकुश शर्मा।